कोई साया है, हमारे ऊपर कोई जादू है। तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 200-250 तक तो उसको झटके लग गए होंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि 200-250 झटके लग गए, और इसी झटके के दौरान में इन्होंने एक बार भी किसी डॉक्टर से रजू नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़ीउल्लाह है। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने क्लिनिक के ऊपर बैठा हुआ होता हूँ, तो एक पेरेंट्स आते हैं और वो आकर कहते हैं कि उनको अपने बच्चे के बारे में कुछ मुझसे डिस्कस करना है। तो जब मैं पूछता हूँ कि उनका बेटा है किधर, तो उनका ये कहना होता है कि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं आ सकता। लेकिन उस बच्चे की रिपोर्ट्स और वो सारी मेडिकेशंस तो लेके आए हैं जो वो यूज़ कर रहा है। तो उनका कहना ये था कि आप ये एक बार देख लीजिए, तो ये देख के बताइए कि हमारी बच्चा जो है वो कब तक ठीक हो सकता है या उसकी कंडीशन कैसी है। इस दौरान सबसे पहले मैं उनसे उनकी हिस्ट्री लेता हूँ कि उस बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है। तो वो ये बताते हैं कि उस बच्चे की जो उम्र है वो है 4.5 साल। तो फिर मैं कहता हूँ कि बच्चे को हुआ क्या था। तो उनका ये कहना होता है कि बच्चा जब हमारा बहुत छोटा होता था तो इस दौरान कभी कभी उसको बुखार हो जाता था। जब बुखार बहुत ज़्यादा होता था तो बुखार बहुत ज़्यादा होने के बाद उसको कभी झटके लगते होते थे। ये ऐसा ही मुसलसल 4-5 दफ़ा ऐसे हुआ कि जब उनको बुखार बहुत ज़्यादा होना और उसके बाद उनको झटके लगना शुरू हो जाना। उसके बाद फिर कभी कभी ऐसा भी होना शुरू हो गया था कि उस बच्चे को बुखार के बगैर भी झटके लगना शुरू हो गए थे, कि अब उनको बुखार नहीं बच्चे को होता था लेकिन झटके ऐसे ही लगते थे। उसके बाद जब मैंने पूछा कि झटके जो लगते थे वो किस नौयत के होते थे, मतलब कि झटके में उनको के आँखें जो थी वो उल्टी करता था, मुँह से झाग निकालता था, कभी ऐसा हो झटके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर लगते थे या पूरे जिस्म के अंदर लगते थे, या मुंह से झाग वगैरह निकालता हो, या ऐसा कभी होश हो जाता हो, या इस तरह जब झटके लगते थे तो उसके दौरान में पेशाब का निकल जाना या पखाने का निकल जाना ऐसा होता था। तो उनका ये बताना था कि नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन ये था कि जब बच्चे हमारे को झटके लगते थे तो सबसे पहले उसकी आँखें जो थी वो उल्टी कर लेता था, मुँह से वो झाग निकालना शुरू कर देता था, चेहरा जो उसका वो नीला पड़ना शुरू हो जाता था। और ये जो झटके और ऐसा जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ 10-12 सेकंड के लिए होता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता था। तो उसके बाद जब भी कोई उससे देखता था, हमारे घर में कोई बात होती थी तो वो परेशान हो जाते थे। तो मैंने कहा कि आपने इस परेशानी के हल के लिए किसी डॉक्टर से रजू किया? तो उनका ये कहना था कि नहीं, हमने कभी भी किसी डॉक्टर से रजू नहीं किया। तो फिर मैंने ये पूछा कि फिर इसका हल आपने किस तरह किया? तो उनका ये कहना था कि हाँ जी जनाब, हमने जब बात की तो मुख्तलिफ लोगों का ये कहना था कि आपके बेटे के ऊपर तो साया है। तो हम लोगों ने ये कहा कि चलो ठीक है, इसके ऊपर अगर साया है तो हम इसको किसी पीर के पास ले जाते हैं। मुख्तलिफ पीरों का बताया गया, हम उनके पास लेके गए बच्चे को। उसके साथ बच्चे को पानी वाला दम जो है वो देते, कुछ उसको तवीज़ वगैरह रखवाए गए, ऐसा सारा कुछ किया गया। बच्चा 2 महीने तक तो ठीक रहता था, लेकिन उसके बाद फिर बच्चे की जो तबीयत थी वो थोड़ी बहुत ख़राब होने लग पड़ती थी। उसके बाद फिर बच्चे को झटके लगते थे, और फिर बच्चा जो है उसको जब झटके लगते थे तो उसका चेहरा नीला, मुँह से झाग निकलना, यही वाला सारा कुछ होता था। तो मैंने फिर ये पूछा कि जब उसको दोबारा फिर झटके लगते थे तो फिर भी आपने किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया? तो फिर भी उनका यही कहना था कि नहीं, हमने अभी तक कभी भी किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। तो मैंने कहा कि अब तक उस बच्चे की उम्र जो है वो तकरीबन 4.5 साल जो आपने बताई है कि इतनी हो चुकी है, इतने दुरानिया के अंदर उस बच्चे को कितने झटके लग चुके होंगे? तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 200-250 तक तो उसको झटके लग गए होंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि 200-250 झटके लग गए, और इसी झटके के दौरान में इन्होंने एक बार भी किसी डॉक्टर से रजू नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि अब किस वजह से आ पाए? वो कहते हैं कि असल में मसला ये हुआ है कि आखिरी दफ़ा अब जो मेरे बच्चे को झटके लगे हैं वो इतनी ज़्यादा शिद्दत के थे कि झटके लगातार 2 घंटे लगते रहे हैं। हमने मुख्तलिफ तरह की अद्वियात का इस्तेमाल करने का भी सोचा, उसके बाद हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि बच्चा जो होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा हमारा ठीक ना हुआ, उसको मुसलसल झटके होते रहे। फिर हमने इस तरह किया कि BHQ हॉस्पिटल जो है उधर लेके चले गए, उधर भी झटके ना रुके। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि आप बच्चे को साहिवाल जो है टर्शरी केयर हॉस्पिटल उसके अंदर लेकर चले जाएं। हमने इस तरह किया कि बच्चे को टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, लेकिन बच्चे को उधर भी झटके ना रुके। फिर हमने इस तरह किया कि उकाड़ा कैंट के अंदर लेके आए कि चलो ठीक है, उधर बच्चे जो है उसके झटके रुक सकते हैं। तो उधर लेके गए तो कैंट वाले डॉक्टर्स ने यह कहा कि आप इस तरह करें कि इस बच्चे को आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर ले जाएं, क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर आप जब लेके जाएंगे तो वो है ही सिर्फ बच्चों का, और वो इनके जो झटके हैं वो रुक जाएंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर हम लेके जाते हैं तो उसके बच्चे के झटके तो रुक जाते हैं, 4-5 दिन हमारा उधर स्टे होता है, और इस दौरान के दौरान में मुख्तलिफ तरह के वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो फिर हमें भेज देते हैं वापस, और तब से अब तक जो हमारा बच्चा है वो किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई हरकत नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने खुराक की नाली भी डाली हुई है बच्चे को, साफ पेशाब की नाली डाली हुई है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। जब उनकी रिपोर्ट्स देखता हूँ तो उनकी एक रिपोर्ट्स के अंदर जब भी किसी बच्चे को झटके लग रहे होते हैं, जब भी किसी इंसान को झटके लगते हैं, तो उसमें एक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं EEG।
अब जब मैं उस रिपोर्ट को देखता हूँ ईईजी को, तो ईईजी की फाइंडिंग्स जो होती हैं वो ये होती हैं कि जो आपके ब्रेन के हेमिस्फेयर्स होते हैं जिधर से करंट निकलता है और जिसके निस्बतन हम मूव करते हैं, बोलते हैं, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं। अब मसला यहाँ पे आ रहा था कि उस बच्चे के जो दोनों हेमिस्फेयर थे उसके अंदर से करंट ही बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज का निकल रहा था। जब उसमें से करंट बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज का निकल रहा था तो इस वजह से उस बच्चे की किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब हुआ बच्चे के अंदर इस तरह कि जब उसका करंट नहीं निकल रहा था तो उसका तकरीबन मोर देन 90% उस बच्चे का जो ब्रेन था उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसको हम कहते होते हैं ब्रेन डेड हो गया था। अब ब्रेन डेड का तो कोई प्रॉपर इलाज होता ही नहीं है, तो इसका क्या है, इसका सिंपल जो पेशाब की नाली डालना, खुराक की नाली मेदे तक डालना और उसके बाद जो है खुराक पूरी ज़िंदगी जो बचा रहा है वो बच्चा जो है वो एक तरह का लेता रहता है नाली के ज़रिए, क्योंकि वो कुछ मूवमेंट नहीं होती उसकी, ना वो कुछ अपना खा सकता है ना ही वो पी सकता है। अब बात करने का जो ये मकसद था वो ये था कि एक बच्चा जिसकी उम्र 4.5 साल हो गई, उस बच्चे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उसको तकरीबन 200 से ज़्यादा मरतबा झटके लगे, उन्होंने किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट को चेक नहीं करवाया और फिर एंड पे आके उस बच्चे का मुकम्मल तौर पर जो ब्रेन है वो ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। और इन इस सूरत हाल में कम अज़ कम हमारी सोसाइटी के अंदर मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो मेरे पास डेली रूटीन में आते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब इनको झटके लग रहे थे, हमारे ऊपर कोई साया है, हमारे ऊपर कोई जादू है, तो ये क्या करना चाहिए। तो मैं उन सबको ये कहता हूँ कि अगर किसी भी बंदे को झटके लग रहे हों और झटके के दौरान वो गिर जाता हो, उसके दौरान जो है वो उसके मुँह से झाग निकलती हो या फिर कभी कभी ज़बान के ऊपर कट लग जाता हो, आँखें जो उल्टी कर लेता हो और पेशाब और पखाने का निकल जाना होता हो, तो वो कभी भी किसी भी तरह का साया नहीं होता बल्कि वो एपिलिप्सी यानी कि वो मिर्गी की बीमारी होती है। तो इस बीमारी का जो प्रॉपर इलाज है वो किसी दम दरूद के जरिए नहीं होता, बल्कि इसका जो प्रॉपर इलाज होता है वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है इसका उसको चेक करवाएं। जब वो इसको प्रॉपर चेक करेगा फिर उसके मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर मेडिकेशंस देगा, और जब वो मुकम्मल तौर पर मेडिकेशंस देगा तो फिर आप इस तरह की मुसीबत से बच सकते हैं या इस तरह की तकलीफात जो उसके खानदान वाले बर्दाश्त कर रहे थे उससे बच सकते हैं। तो आज की जो वीडियो का जो बुनियादी तौर पर मकसद है वो यही है कि अगर आप किसी भी का अपने घर के अंदर ऐसा फर्द देखें, रिश्तेदारों में देखें या मोहल्ले में देखें जिसको झटके लगते हों और जो मैंने सारे सिम्टम्स बताए यानी कि सारी बातें बताई कि उनके साथ ये सारा हो रहा हो, तो कभी भी किसी भी पीर या दाम या ऐसी तरफ जाने का फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर यह है कि आप उसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास करवाएं, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा भी होगा और वह बेहतर भी होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनको मिर्गी होती है लेकिन जब वो डॉक्टर्स की अद्वियात प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का मकसद था वो यही था। नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर उसका कमेंट लिख सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ पेश आएंगे। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।